A very good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel E Takshila Classes. I am Ravinder Singh. Today we are going to discuss NCERT Class 6 Chapter 3 in the earlier cities. So let's start. जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 2 डिस्कस किया था, आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3. तो शुरू करते हैं, चलिए. द स्टोरी ऑफ हरप्पा. Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other cities from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 47 years ago. तो archaeologists ने एक साइट फाउंड की थी और उन्होंने रियलाइज किया था दिस वॉज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट. और वो कौन सी सिटी थी? हरप्पा. हरप्पा पहली सिटी थी जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. 4700 साल पहले ही बनी थी इनका, ऐसे कि डेवलप्ड 4700 साल पहले हुई थी, 4700 ईयर एगो. तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या चीज है, क्या स्पेशल था इनके बारे में, तो पढ़ते हैं. चलिए. Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as citadel. तो क्या था कि जो many of these cities were divided into two or more parts. जो cities थी, बहुत ज़्यादा cities, तो दो parts में divide की गई थी, एक तो upper part में और एक lower part में, एक west और east. जो west वाला part था वो छोटा था पर ऊंची जगह पे था, और जो east वाला था वो बड़ा तो था पर वो नीचे था उससे. तो जो ऊपर वाला था वेस्ट वाला, तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडल के उसमें डिस्क्राइब किया. सिटाडल क्या होता है? सिटाडल होता है कि एक ऊंची जगह, किला टाइप, जहाँ पे लड़ाई के टाइम में लोग ऊपर इकट्ठा हो जाते थे किले में, तो सिटाडल उसे बोलते हैं जो ऊंची जगह पे किला टाइप होता है. जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. तो जो ईस्ट वाला था छोटा था उसको लोअर टाउन बोलते थे. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ वेक ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. तो जो वहाँ पे दीवारें बनाई हुई थी वो बेक ब्रिक से थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से. द ब्रिक्स वर सो वेल बेक डैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ईयर्स. वो इतनी अच्छी तरह पकाई गई थी, इट बनाई गई थी कि वो बहुत सालों तक चल सकती थी, और वो तभी हमें मिली है ये चीज़ें. द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग. और वो जो ब्रिक्स थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी जो लगाई गई थी, ताकि दीवारें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल. जो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स थी वो ना सिटाडल में कंस्ट्रक्ट की गई थी. फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. तो मोहनजोदारो में हमें क्या मिलता है? अ ग्रेट बाथ, जो सिटाडल में वहाँ पे बनाया गया था ग्रेट बाथ. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड विद वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार. तो ये इस तरह से बनाया गया था कि जहाँ पे पानी स्टोर करते थे, और ये उनकी जो कुछ स्पेशल रिचुअल्स थे उस टाइम पे ये काम आता था, द ग्रेट बाथ, जो हमें मोहनजोदारो में मिलता है. देयर वर स्पेशल स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वेयर देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड. और वहाँ पे रूम थे हर तरफ पे. वाटर वाज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल. तो जो ये ग्रेट वाटर बाथ थी, इसमें पानी एक कुएं से लाया जाता था एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज. तो उसको यूज करने के बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता था. परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशंस. तो जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे राजा, उस टाइम के राजा महाराजा या कुछ और इंपॉर्टेंट लोग, तो उसमें वो नहाते थे. उनका वो कोई स्पेशल ओकेशंस पे ही उनका रिचुअल था. तो आगे बढ़ते हैं. द अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथन हैड फायर अल्टर्स. तो यहाँ पे क्या मिला हमें? फायर अल्टर्स मिले हैं यहाँ पे कालीबंगन में. तो आगे बढ़ते हैं. वेयर सेक्रीफाइस हैव बीन परफॉर्म. ये फायर अल्टर्स क्या होती है? छोटे छोटे वो होते हैं जहाँ पे हम हवन वगैरह करते हैं. तो हमें ये चीज़ें मिली है कालीबंगन में. वेयर सेक्रीफाइसेस हैव बीन परफॉर्म एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेट स्टोर हाउसेस. तो वहाँ पे हमें कहाँ? मोहनजोदारो और हड़प्पा में, लोथल में स्टोर हाउसेस मिले हैं जहाँ पे स्टोर वगैरह करते थे सामान को. ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, आपको जो फोटो दिख रही है ना, ये ग्रेट बाथ की है जो हमने मोहनजोदारो में हमें मिला है, जहाँ पे पानी स्टोर करते थे नहाने वगैरह के लिए. वो भी स्पेशल ओकेशन पे, और वो इंपॉर्टेंट लोगों के द्वारा ही होता था. हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट. तो आगे बढ़ते हैं.
मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। जो घर थे ज़्यादातर उन घरों में बाथिंग एरिया अलग था नहाने वगैरह के लिए और कुएं पानी के लिए अलग थे। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन लीड इनटू बिगर वन। तो ये क्या था कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सही था, पानी नालियों से होते हुए छोटे ड्रेन उनसे होते हुए आगे जाता था जो बड़ों में जाके मिल जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो लोग थे उनका ये चीज़ बहुत सही थी, उनका रहने का स्टाइल वगैरह। तो बिग्ड हाउस थे तो उनका ड्रेनेज का सिस्टम देखिए, साफ सफाई वाला ड्रेनेज बहुत सही थी उन लोगों की। तो ये देखिए मेरे हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटीज, ये इंटरलॉक की तरह थी ताकि दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, लाइफ इन द सिटी, उनकी लाइफ कैसे थी सिटी में। अ हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स। जिन लोगों ने ये सिटी प्लान की थी, ये सब कुछ प्लान किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स, वो यहाँ के रूलर्स थे जिनके द्वारा ये प्लान किया गया था, ऐसा माना जाता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पता किया गया। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वॉन्टेड। तो क्या करते थे जो रूलर्स होते थे, वो लोगों को भेजते थे देश में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे जो मेटल्स लेके आते थे, जो टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन्स, और वो लोग जाते थे मेटल्स इकट्ठा करते थे, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ठीक है, दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और उनमें से जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट होते थे सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया, और वो रख लेते थे और अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो टू राइट हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स नॉट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो ये क्या होता है, स्क्राइब होता है कि जो लिखता है, मुंशी को बोलते थे हम स्क्राइब, स्क्राइब लेखक जिन्हें लिखने का पता होता है, जो हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, तो स्क्राइब उसको बोला जाता है मुंशी या लेखक को। तो आगे बढ़ते हैं, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और वहां से हमें टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं जिनसे ऐसे है कि बच्चे खेलते थे, उनसे यही माना जाता है जो टॉयज मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जो है ना ये सील्स हैं, ये लगाते थे, ये टॉयज वगैरह हमें मिले हैं। ये देखिए ऊपर है, ये जो फोटो थी इसमें दिखाया गया है अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद द ड्रेन, ये ड्रेन की जो इमेज है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ऐसे था और नीचे एक टैंक वॉल वेल सॉरी कुआं, ये कुआं है जो हमें मिला है। तो आगे पढ़ते हैं, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, तो क्या मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर। तो ज़्यादातर जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं उनमें से क्या है, पत्थर की चीज़ें जो पत्थर के द्वारा बनाई गई हैं, मेड ऑफ स्टोन पत्थर के द्वारा बनाई गई है, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, जो मेटल से बनाई गई है कॉपर ब्रॉन्ज और गोल्ड और सिल्वर से बनाई गई है वो चीज़ें मिली हैं। ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज का क्या यूज़ होता था, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंटल्स एंड वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर का भी ये यूज था कि उनसे ऑर्नामेंट्स बनाते थे और वेसल्स बनाते थे। ये देखिए परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज़ ऑफ ब्रिट्स, ये है जो उनसे आगे चीज़ें बनाते थे, गोल्ड उनसे कॉपर ब्राउन से ये चीज़ें हुई हैं। तो आगे चलते हैं, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो, कॉटन मेहरगढ़ में उगाई गई थी 7000 साल पहले। ये हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अगर सारा करने बैठेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम सिर्फ जो हाईलाइटेड है वही करेंगे जो कि हमारे पेपर में जिसके चांसेस हैं आने के, इनमें से क्वेश्चन आएगा एंशियंट हिस्ट्री का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सेल्स। अ स्पेशलिस्ट वही होता था जो बंदा सिर्फ एक काम के लिए तैयार किया गया होता था, ट्रेन किया गया होता था, जैसे कि कटिंग स्टोन, स्टोन काटने के लिए एक बंदा होता था जिसको पूरा स्पेशल किया होता था उसी काम में, वो वही काम करता था। ठीक है ना, तो आगे नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, तो हमें ये तो नहीं पता कि स्पेशलिस्ट आदमी थे या औरतें थी, बस पर ऐसे बताया गया कि जो स्पेशलिस्ट होता था वो एक काम के लिए ट्रेन किया गया होता था। तो आगे बढ़ते हैं, द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि उनको ये जो मिलता था रॉ मटेरियल ये कहाँ से मिलता था, तो जो कॉपर था वो प्रेजेंट डे राजस्थान से मिलता था हड़प्पन को, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और ओमान से मिलता था जो वेस्ट एशिया में,
Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan. जो टिन है उसको ब्रॉन्ज के साथ कॉपर के साथ मिक्स किया जाता था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, और वो हमें कहाँ से मिलता था हरप्पन को, इनको अफगानिस्तान और ईरान से. गोल्ड कुड हैव बीन कम फ्रॉम द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और कर्नाटका से हमको गोल्ड मिलता था. एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात ईरान अफगानिस्तान, और जो ये पत्थर थे बहुत ज़्यादा कीमती थे प्रेशियस स्टोन्स, वो कहाँ से मिलते थे, गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से. इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि उनको रॉ मटेरियल वगैरह ये चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली है. फूड फॉर पीपल इन दैट सिटीज, खाना कैसे था उन सिटीज में लोगों के लिए. वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स. दीज फार्मर्स आर हर्डर्स, सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज. तो बहुत लोग थे जो शहरों में रहते थे सिटीज में. अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, और कुछ अलग अलग जगह रहते थे जो फसलें उगाते थे और जानवर पालते थे, क्योंकि अब शहर के बीच में उनको पशुओं को चराने के लिए इतना घास होता था, तो अलग अलग जगह रहते थे. मैंने पीछे पढ़ाई है कि नदियों के पास रहते थे, तो उन्हें फार्मर ही कहा जाता था जो क्रॉप्स उगाते थे, ये फसल खेती करते थे. तो वो ही फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स लेखकों को और रूलर्स जो राजा वगैरह थे सिटीज में, तो उन्हें फूड सप्लाई करते थे. अ न्यू टूल द प्लॉग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. तो एक नई चीज़ थी जिससे वो खुदाई करते थे मिट्टी की और प्लांटिंग सीड्स आगे फसलें लगाने के लिए. द प्लॉग ये है जिसकी आपको फोटो दिख रही है, इस टूल को यूज़ किया जाता था धरती को खोदने के लिए ताकि कोई फसल उगाई जा सके. इसमें इस चीज़ का यूज़ करते थे वो लोग. लिखा है इसमें वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रॉब्लम मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव, और जो लकड़ी के बने हुए थे वो अब तक नहीं है, क्योंकि क्या उनको आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ाओ वो डिस्ट्रॉय होते गए. अब होता है कि उनको कुछ इंसेक्टिसाइड या कुछ वो कीड़े मकौड़े ये होते हैं सिंक बोलते हैं जैसे कि वो खा लेते हैं, वो खत्म हो चुके थे. ट्रॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, और ये चीज़ें मिली है हमें. एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड. तो वो जगह थी, वो रीजन था जहाँ पे वहाँ पे हैवी रेनफॉल तो होती नहीं थी, तो खेती के लिए कुछ फॉर्म ऑफ इरीगेशन पानी की व्यवस्था कुछ करनी पड़ती थी, करते थे. दिस मीन्स डैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग. तो क्या करते थे, वो पानी को स्टोर करते थे एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, और जब ये फसलें उगाई जाती थी तब वो पानी उनको प्रोवाइड करवाते थे. आगे बढ़ते हैं. प्लांट्स एंड पेस्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, however in the dry summer months large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. ye pastures kya hote hain, a field or land covered with grass where cows etc can feed. to jahan pe ghas wagera hota tha, pani hota tha, to pashuon ko to ghas charna hi hota tha unke liye aur pani bhi unki zarurat thi. tab jab summers hoti thi, dry season hota tha, to jo jinke paas zyada एनिमल्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, वो ग्रेटर डिस्टेंस दूर दूर निकल जाते थे घास और पानी की तलाश में अपने पशुओं को लेके. तो दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बियर कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटलॉक. तो मछलियों को भी पकड़ते थे और जानवरों का भी शिकार करते थे और फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे. तो आगे बढ़ते हैं. अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन गुजरात, द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खैदर बेल्ट also spelled as bet in the run of Kutch. तो ये जो धोलावीरा है run of Kutch में मिली है हमें गुजरात में. was located on Khyder Belt also spelled as bet in the run of Kutch where there was a fresh water and fertile soil, जहाँ पे पानी बिल्कुल फ्रेश था और मिट्टी बहुत उपजाऊ थी. unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, धोलावीरा was divided into three parts. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो सिटीज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड थी, पर ये जो धोलावीरा थी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड थी. एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और जो ईच पार्ट था उसके अगल बगल उसके उसको सराउंड किया गया था कि मैसिव स्टोन वॉल से विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और एंट्रेंस थी जो वो गेट वॉल से थी, जैसे बोलते नहीं बाढ़ की गई वैसे पत्थरों से वो की गई थी, और एक एंट्रेंस थी थ्रू गेटवेज. तो गेट थे. देयर वाज आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और एक लार्ज ओपन एरिया था सेटलमेंट में वेयर पब्लिक सेरेमनी कुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी. एक खुला एरिया था जहाँ पे इनकी गैदरिंग्स वगैरह होती थी, जब भी कोई इनका ओकेशन वगैरह होता था वैसे इनकी पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, और वहाँ पे से हमें क्या मिला, एक लार्ज लेटर मिला, लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट जिसमें हरप्पन में लिखा गया है. डेट वर केव्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन द वुड, जो कि
हमें मिला है अपन में इनलैंड का मतलब डेकोरेटेड विद द डिजाइन ऑफ वुड, और जो उसमें डिजाइन से उसमें किया गया है वाइट कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन द वुड. दिस इज यूनिक फाइंड एज जनरली हरप्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स. ये कुछ अलग चीज मिली है क्योंकि ये काफी बड़ा लेटर मिला है हमें कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन पे है. बाकी ये जैसे हमें मिले हैं तो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स वगैरह भी मिले हैं हरप्पन राइटिंग जो मिली है, तो ये एक यूनिक चीज थी. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती. जो ये लोथल सिटी थी ये साबरमती की ट्रिब्यूटरी पे थी इन गुजरात. ये जो लोथल सिटी थी क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, ये खंबत के पास थी लोथल, और जो धोलावीरा थी वो कच्छ के पास थी, हमने पढ़ी रन ऑफ कच्छ. तो इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल. जो ये लोथल थी ये यहाँ पे थी जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे वो इजिली अवेलेबल थे. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल. देर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी. तो यहाँ पे हमें एक स्टोर हाउस का भी पता चला कि स्टोर हाउस मिला है यहाँ पे लोथल में, ठीक है ना. मैनी सील्स एंड सेलिंग्स द इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. और इस स्टोर हाउस में से हमें क्या मिला है, द इंप्रेशन ऑफ सील्स एंड क्ले, यहाँ से हमें मिला है. सील्स वगैरह क्या होती थी, जो उनकी राइटिंग्स वगैरह होती थी उन पर क्ले से वो सील लगा देते थे. तो ये चीज़ें हमें मिली है यहाँ से लोथल से, ठीक है ना. ये क्या, एक ये क्या है, ये डॉकयार्ड है जो लोथल में मिला. अ डॉकयार्ड एट लोथल. दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल. गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर. ये हमें डॉकयार्ड मिला है लोथल में जहाँ पे शिप्स वगैरह आती थी, जहाँ पे सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी. तो ये जगह है जहाँ से ट्रेड होता था. तो हमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि डॉकयार्ड हमें कहाँ से मिला, लोथल में हमें क्या क्या चीज़ें मिली. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परस्पेक्टिव से हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. तो इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. अ बिल्डिंग डेट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. और एक क्या मिली है, अ बिल्डिंग वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स. पीसेस ऑफ स्टोन्स हाफ मेड बेड्स टूल्स फॉर बेड मेकिंग एंड फिनिश बेड्स हैव बीन फाउंड हेयर. और यहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिली है, जो बिल्डिंग मिली है वहाँ से प्रोबेबली वर्कशॉप मेकिंग बेड्स ये सब चीज़ें हमें मिली है. तो आगे बढ़ते हैं द मिस्ट्री ऑफ दैन. तो हम पढ़ते हैं कि ये खत्म कैसे हुआ था, मिस्ट्री ऑफ एंड ये सब खत्म कैसे हुआ. अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. 3900 साल पहले 39 ईयर्स अगो हमें पता चला है कि एक क्लाइमेट में वगैरह में मेजर चेंज हुआ था. पीपल स्टॉप लिविंग इन द मैनी ऑफ द सिटीज. और लोगों ने शहरों में रहना छोड़ दिया. राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नॉट लॉन्गर यूज. जो लिखते थे ये तो वो खत्म हो गया. सील्स वगैरह ये चीज़ें खत्म होने लगी. ये बरतते नहीं थे लोग, अब यूज़ नहीं थे करते. रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर. अब पहले ट्रेड होता था, जैसे अभी लोथल में डॉकयार्ड का पता चला है वहाँ से ट्रेड होता था. तो ये जो ट्रेड था जो दूर दूर से ये करते थे सामान लेके आते थे वो बहुत कम हो गया था, रेयर हो गया था. इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड डेट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट. तो हमने पहले देखा था वहाँ पे मोहनजोदड़ो में ड्रेनेज सिस्टम बड़ा सही था, और इतना सही था कि वहाँ पे पानी हर घर में वो बनाया गया था. उन्होंने बाथिंग्स और वेल बनाए गए थे, कुएं बनाए गए थे पानी की सप्लाई के लिए. और धीरे धीरे हमें क्या पता चला, वहाँ पे कूड़ा करकट गलियों में फेंक दिया, वहाँ पे गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो तोड़ दिया, खत्म हो गया. एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट. और जो पहले वहाँ पे घर थे वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे, जैसे कि आज के टाइम में मैप के उससे बनाते हैं घर अपना. तो इतने साल पहले भी ये सब चीज़ें थी, वो डेवलप लोग थे वहाँ पे. तो हमें ये पता चलता है उनका रहना सहना बहुत सही था. पर आगे जाके क्या हुआ कि घर लेस इंप्रेसिव थे, घर इतने सही नहीं थे इवन ओवर द स्ट्रीट्स. तो घर इतने सही नहीं थे बनाए गए वहाँ पे. तो ये हुआ कैसे, व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर. हमें ये पक्का नहीं पता. कुछ लोग कुछ बोलते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट है कुछ अपनी थ्योरी बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं. इसलिए पक्का कन्फर्म नहीं है कि ये सब हुआ क्या. तो आगे पढ़ते हैं ये हुआ क्यों. सम स्कॉलर्स सजेस्ट डेट द रिवर ड्राइड अप. कुछ लोग बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि जो नदियाँ थी वो सूख गई थी, और इनका सारी लाइफ थी वो नदियों पर डिपेंड थी, क्योंकि ये पशुओं को पालते थे तो पशुओं के लिए पानी जरूरी था. अब उनके अपने लिए भी पानी जरूरत था, जो नदियाँ सूख गई तो कहते हैं ये रीज़न है कि ये खत्म हो गया था. अदर सजेस्ट डेट देयर वॉज अ डिफरेस्ट्रेशन. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिज. और घर थे जो ईंटों के बने हुए थे, तो ईंटों के लिए इनको चाहिए था फ्यूल. तो फ्यूल के लिए डिफोरेस्ट्रेशन, दरख्त काटे गए तो ब्रिक्स को पकाने के लिए बेकिंग ऑफ द ब्रिक्स. तो कहते कि ऐसे डिफोरेस्ट्रेशन के कारण ये खत्म हो गया. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स बिसाइडिंग ग्रेजिंग बाय द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल. और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एनिमल रेयरिंग थे बहुत ज़्यादा ये रखे हुए थे, और जो कैटल शिप एंड गॉड मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर.
कि इनको चलाने का ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ट्स, ये सारी खत्म हो गई थी हरियाली उनके कारण, जो लार्ज हर्ट्स थे ये रखे हुए थे रेनिंग ऑफ एनिमल्स, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कई एरिया में फ्लड्स आ गए थे, बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, पर कोई भी रीजन सही नहीं है कि जिससे मान ले कि ये सिटीज खत्म हुई थी, क्योंकि फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव एन इफेक्ट इन वन सम इन सम ओनली सम एरियाज, अगर बाढ़ आई होती और ये नदियाँ सूख गई होती तो ये किसी एरिया में होता, ये तो सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो ये रीज़न कोई इतने सही नहीं है, बस ये एजम्पशन है, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं, ये वो रीजन्स है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन एन इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर, तो कहते हैं कि जो रूलर्स थे उन्होंने कंट्रोल खो दिया था, इन केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में अब अबैंडन, तो जो साइट्स हैं वो छोड़ दी गई थी, वेल मैनी पीपल मूव्ड इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, तो वो लोग वहाँ से नई जगह पे मूव कर गए थे, सेटल कर गए थे छोटी जगह पे, साउथ में आ गए थे, कुछ कुछ ईस्ट में चले गए थे, न्यू सिटीज एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, तो नई सिटीज बनने लगी थी 1400 साल पहले, ये हम आगे जाके 5th और 8th चैप्टर में करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आज के लिए इतना ही, आगे है एक बात वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, देर आर टू ग्रुप्स विच डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क, वहाँ पे लोग भी थे जिनको दो ग्रुप्स में बांटा गया था, एक थे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क द प्रिस्ट समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है, दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट देयर, तो उस टाइम पे हमने पहले पढ़ा कि रूलर्स होते थे राजास होते थे, वो आज के राजाओं से बहुत डिफरेंट होते थे, आज के राजा जैसे होते थे उनके पास पावर होती थी, उनकी कैपिटल भी होती थी, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, सब कुछ था, उस टाइम में ये सब कुछ नहीं था, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेस पैलेसेस और आर्मीज, नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्स, ना उनके पास आर्मीज होती थी स्टैंडिंग आर्मीज, ना वो टैक्स कलेक्ट करते थे, बस वो राजा थे, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेड फादर एज राजा, ना कि उनके आगे बच्चे आके उनको सक्सेड करते थे राजास के लिए, तो उस टाइम पे राजास जो होते थे उनके पास पावर्स वगैरह नहीं होती थी, वो राजा होते थे बस। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यंस एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासास और दसायुज, ये हिम क्या होती है, अ रिलीजियस सॉन्ग जो भक्ति करते थे भगवान की, उन्हें बोलते थे, वो खुद को बोलते थे आर्यास, एंड अपने ओपोनेंट को वो बोलते थे दासास और दसायुज, these were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages, later the term dasa and the feminine dasi came to mean slave, aur dasa kya bolte the inko slaves bolte the, slaves were women and men who were often captured in war, to ye kaun log hote the dasa hote the jo ye slaves hote the unke gulam hote the, ye auratein bhi hoti thi aur army bhi hote the, who were often captured in the war, और उनको जब लड़ाई वगैरह होती थी उसमें कैप्चर किया जाता था, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, और जो उन्हें कैप्चर करता था वो उनको अपनी प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करता था, हु कुड मेक देम टू डू वट एवर वर्क दे वांटेड, और उनसे वो कोई भी काम ले सकते थे जो उन्हें चाहिए होता था। तो आगे देखते हैं, दीज वर केयरफुली अरेंज बाय द पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, तो ये क्या है, स्टोन बाउल्डर्स, स्टोन बाउल्डर की बात हो रही है, दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, तो ये स्टोन बाउल्डर क्या होता है, अ लार्ज साइज स्टोन, जो बहुत बड़ा स्टोन होता है, मेगालिथ्स लिटरली बिग स्टोन्स, तो ये दीज वर मेगालिथ्स वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स, तो ये मेगालिथ्स क्या थे, लोगों के द्वारा केयरफुली अरेंज किए गए थे, तो ये उसको यूज करते थे मार्क बरियल साइट्स की, बरियल साइट को मार्क करने के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बॉल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, दीज आर ओनली इंडिकेशन डेट देर आर बरियल्स मिले, तो कहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कल्स में स्टोन मिले हैं, देखो जैसे हमने फोटो में देखे हैं ये सर्कल्स में स्टोन मिले हैं, तो ये क्या चीज़ कर पता चलता है इस चीज़ से हमें, कि जैसे सिंगल लार्ज स्टोन भी मिला है कई जगहों पर जो ग्राउंड पे है, दीज आर ओनली इंडिकेशन डेट देर वर बरियल्स मिनित, कि इस यहाँ पे दफनाया गया किसी को, यहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को, ये बरियल्स मिनित है, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ये मार्क करते थे उस चीज़ से, इस चीज़ से उस चीज़ उसे, तो ये हो गया आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस, थैंक यू, जय हिंद।